जैसे कि हमने थ्योरी में देखा कि हम कोड इग्नाइटर में एक डेटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशन बनाएंगे, उसमें हम यूजर नाम का एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे जिसमें डेटा को ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और नंबर ऑफ यूजर को लिस्ट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। लोकल होस्ट पीएचपी माय एडमिन, यहां पर हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे जो कि मैंने पहले से बना रखा है ci_demo। आप यहां जाके भी बना सकते हो न्यू डेटाबेस, मैंने पहले से बना रखा है ci_demo। यहां पे मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखा है यूजर्स नाम का, जिसमें फील्ड है यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर कॉन्टेक्ट और यूजर डेजिग्नेशन। तो इस टेबल में हम डेटा ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब कोड। कोड में सबसे पहले कन्फिग में जाके config.php में हम अपना बेस यूआरएल सेट करेंगे। यहाँ पर बेस यूआरएल जो कि मैंने पहले से सेट कर रखा है, आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। मेरा होस्ट है लोकल होस्ट और मेरे फोल्डर का नाम है ci_demo। अब ऑटोलोड में जाते हैं। ऑटोलोड में जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि वो सारी फंक्शनलिटी हम ऑटोमेटिक लोड करवाएंगे जिनकी हमें ज़रूरत है इंटायर एप्लीकेशन में। तो मैं डेटाबेस का यूज़ करूँगा मेरी एप्लीकेशन में, तो मैंने पहले से डेटाबेस की लाइब्रेरी लोड करवा रखी है। फिर मुझे यूआरएल हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी, फॉर्म हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी और एरे हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैं पहले से यहाँ से ऑटो लोड करवा रहा हूँ। अब हम मॉडल क्रिएट करेंगे जो कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा। मॉडल को बनाने के लिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में मॉडल्स और मॉडल्स के अंदर आप अपना मॉडल क्रिएट कर सकते हो जो कि मैंने पहले से बना रखा है user_model। तो ये मेरा मॉडल है और उसमें मैंने सारे मेथड्स लिख रखे हैं, गेट ऑल, गेट बाय आईडी, ऐड, एडिट और डिलीट। गेट ऑल का काम है डेटाबेस में से सारे रिकॉर्ड पुल करना, गेट बाय आईडी का काम है यूजर आईडी के हिसाब से डेटाबेस में से डेटा को पुल करना, ऐड का काम है डेटा टेबल में डेटा को इंसर्ट करना, एडिट का काम है अपडेट करना और डिलीट का काम है डिलीट करना। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्वेरी का यूज़ नहीं कर रखा है क्योंकि मैं कोड इग्नाइटर के क्वेरी बिल्डर क्लास का यूज़ कर रहा हूँ। कोड इग्नाइटर का क्वेरी बिल्डर क्लास क्या है ये जानने के लिए आपको कोड इग्नाइटर की साइट पर जाना पड़ेगा, www.codeigniter.com/user_guide। वहाँ जाके डेटाबेस रेफरेंस, वहाँ जाके क्वेरी बिल्डर क्लास और यहाँ पर सारे क्वेरी बिल्डर क्लास दे रखे हैं। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए कौन सा क्लास यूज़ करना चाहिए, इंसर्ट करने के लिए कौन सा क्लास यूज़ करना चाहिए, अपडेट करने के लिए कौन सा क्लास यूज़ करना चाहिए वगैरह वगैरह। डेटा को गेट करने के लिए $this db get और टेबल नेम, ये हमें result_array रिटर्न करेगा जो कि एक मल्टी डायमेंशनल एरे होगा जिसको for each से इटरेट करवा सकते हैं। गेट बाई आई डी $this db get_where टेबल नेम और कंडीशन, ये हमें एक row_array रिटर्न करेगा जो कि एक सिंगल डायमेंशनल एरे होगा। एड, एड है एक, एड में हमने एक एरे पास करवा रखा है $data नाम का, उस एरे को हमने अपने हिसाब से फिल्टर आउट कर रखा है यूजिंग एलिमेंट्स फंक्शनैलिटी जो कि एरे हेल्पर का काम है। उसके बाद $this db insert टेबल नेम और filter_data जो कि हमारा फील्ड एरे है। उसके बाद एडिट, एडिट में भी एड के जैसा ही है, एक्स्ट्रा चीज़ वो है कि हमने यहाँ पर एक कंडीशन डाल रखी है user_id = $data_user_id। डिलीट में क्या है $this db delete टेबल नेम और एक कंडीशन। तो इस तरह से आप मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे कंट्रोलर। कंट्रोलर को बनाने के लिए एप्लीकेशन, उसके अंदर कंट्रोलर्स, वहाँ जाकर आप अपना कंट्रोलर बना सकते हो। मैंने पहले से बना रखा है user.php, तो ये मेरा कंट्रोलर है। वहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर में मैंने अपना मॉडल लोड करवाया हुआ है $this load model और मेरे मॉडल का नाम। उसके बाद मैंने सारे मेथड बना रखे हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स मेथड, इंडेक्स मेथड का काम है यूज़र लिस्टिंग को डिस्प्ले करना। सारे यूज़र को गेट करवाने के लिए मैंने यूज़र मॉडल की गेट ऑल मेथड को कॉल करवाया हुआ है
और उस एरे को मैंने एक डेटा नाम के एरे में पास करवा रखा है, और डेटा नाम के एरे को मैंने अपने व्यू में पास करवा रखा है। अब देखते हैं ऐड मेथड। ऐड मेथड को हमने दो टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है, इफ और एल्स। अगर मान लो ऐड रिक्वेस्ट में पोस्ट रिक्वेस्ट आई हुई है तो वो डेटा को ऐड करेगा, अदरवाइज वो ऐड के व्यू को लोड करेगा। एडिट को भी हमने दो टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है। अगर मान लो पोस्ट रिक्वेस्ट आई हुई है तो वो डेटा को एडिट करेगा, अदरवाइज वो व्यू को लोड करेगा और यूजर आईडी के हिसाब से डेटा को पुल करेगा। हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अब डिलीट मेथड। डिलीट मेथड जो है वो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यूजर आईडी के हिसाब से डेटा को डिलीट करेगा। यहाँ पर यूजर मॉडल की डिलीट मेथड को कॉल करवाया हुआ है। तो इस तरह से हमने कंट्रोलर बना दिया, अपना व्यूज क्रिएट करेंगे। व्यू का काम है डेटा को डिस्प्ले करना। व्यू को बनाने के लिए एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में व्यूज, व्यूज में हमने यूजर्स फोल्डर में अपने व्यूज बना रखे हैं, ऐड, एडिट और इंडेक्स। सबसे पहले देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स व्यू है वो यूजर लिस्टिंग को डिस्प्ले करता है। एड व्यू है वो एक फॉर्म जनरेट करता है डेटा को ऐड करने के लिए, और एडिट व्यू भी सेम एक फॉर्म जनरेट करता है डेटा को अपडेट करने के लिए। तो इस तरह से हम अपना व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली हम सारे फ्लो को देखेंगे। जब भी हम कंट्रोलर को एग्जीक्यूट करवाएंगे, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मेथड कॉल होगी जो कि हमारे यूजर लिस्टिंग को डिस्प्ले करता है। सारे यूजर को गेट करवाने के लिए हमने यूजर मॉडल की गेट ऑल मेथड को कॉल कर रखी है जो कि हमें रिजल्ट अंडरस्कोर एरे प्रोवाइड करेगा, जो कि एक मल्टी डायमेंशनल एरे होगा। उस एरे को हमने अपने डेटा नाम के एरे में पास कर रखा है और वहां से हमने उसको अपने व्यू में पास कर रखा है। व्यू में जाएंगे यूजर्स और यहाँ पर इंडेक्स। यहाँ पर हमने इस एरे को फॉर ईच से इटरेट करवा रखा है और यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवा रखा है। तो चलिए अब एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। आप देख सकते हैं मेरे यूजर का लिस्टिंग यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हम ऐड करेंगे। जब भी हम ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यूजर कंट्रोलर की ऐड मेथड कॉल होगी। वो चेक करेगी कि यह पोस्ट रिक्वेस्ट है या पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं है तो ये हमारे यूजर ऐड व्यू को कॉल करेगा, अदरवाइज ये डेटा को ऐड करेगा। तो सबसे पहले एक यूजर व्यू को कॉल करता है। यहाँ पर हमने यूजर व्यू दे रखा है। यहाँ पर मैंने फॉर्म हेल्पर का यूज़ कर रखा है। यहाँ हम अपने एक्शन अप्लाई करते हैं और यहाँ पर क्लासेस या और आईडीज और अदर एट्रीब्यूट अप्लाई करते हैं। ये मेरा फॉर्म है। यहाँ पर मैं डेटाबेस के फील्ड का नाम जो है वही नाम मैं अपने एलिमेंट में दे रहा हूँ। फिर मैंने सबमिट बटन का नाम दे रखा है, सबमिट। जब भी हम सबमिट करेंगे, हमारी ऐड मेथड कॉल होगी और वो चेक करेगी वापस से। अब हम डेटा को ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने पोस्ट को सबमिट करवा रखा है। डॉलर थीस यूज़र मॉडल और जो पोस्ट में आया हुआ एरे है वो सारा हमने इस मेथड को दे दिया। देखते हैं एग्जीक्यूट करवा के। आप देख सकते हैं राम नाम का रिकॉर्ड मेरा ऐड हो चुका है। अब हम एडिट देखेंगे। जब भी आप एडिट करेंगे, एक पैरामीटर यूआरएल के थ्रू पास होगा जो कि आपने यहाँ पर दे रखा है इंडेक्स में। ये जो एडिट बटन है यहाँ पर आपने एक पैरामीटर पास करवा रखा है। उस पैरामीटर के हिसाब से डेटाबेस में से उस पर्टिकुलर यूजर को ये मेथड पुल करेगी और फिर हमने सारा डेटा नाम के एरे को पास कर दिया है। ये जो है हमें रो अंडरस्कोर एरे एक सिंगल डायमेंशनल एरे प्रोवाइड करता है, इसको हम इस तरह से इटरेट कर सकते हैं। और ये सारा डेटा लेकर हमने व्यू को पास कर दिया है। ये हमारा व्यू है।
यहाँ पर मैंने वैल्यू में अपनी वैल्यू डाल रखी है, यूज़र नेम, यूज़र ईमेल, ये सारा डेटा कहाँ से आता है, यहाँ से, ये यूज़र नेम, यूज़र ईमेल जो कि हमने पहले से डिफाइन कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक हिडन फील्ड ले रखा है यूज़र आईडी का, जो कि हमारी कंडीशन बनेगी कि यूज़र आईडी के हिसाब से डेटा को अपडेट करता है। यहाँ से जब भी आप सबमिट बटन प्रेस करते हो तो यहाँ पर आ जाते हैं और सेम थिंग इस मेथड को कॉल कर देता है मॉडल की और सारा पोस्ट पास कर देता है। चलिए देखते हैं एग्जीक्यूट करवा के। यहाँ पर मैं एडिट में जा रहा हूँ, नाम चेंज कर रहा हूँ, राम की जगह एक्स वाई जेड, सबमिट। आप देख सकते हैं मेरा चेंजेस। तो इस तरह से आप एडिट करवा सकते हो। अब देखते हैं डिलीट। एडिट की तरह डिलीट भी एक पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है, जो कि हमने यहाँ पर डिलीट बटन में एचरिप में डाल रखा है एक पैरामीटर। अब डिलीट मेथड कॉल होगी तो यह फंक्शन कॉल होगा और यूज़र आईडी के हिसाब से डेटा को डिलीट करता है। चलिए प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम डेटाबेस एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं।